जेपीएससी की ओर से 7वीं से लेकर 10वीं के लिए पीटी परीक्षा का रिजल्ट कुछ दिन पहले ही जारी किया गया था। रिजल्ट जारी को लेकर बाद परिणाम को लेकर विवाद उठना शुरू हो गया। इसको लेकर छात्र संगठन ने शुक्रवार को रांची में जेपीएससी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और पीटी रिजल्ट रद्द करने की मांग की थी। वहीं दूसरे जिलों में भी अब विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। शनिवार को लोहरदगा का भी मामला सामने आया है। दरअसल प्रारंभिक परीक्षा में पिछले दिनों एक ही परीक्षा केंद्र से क्रम से 33 परीक्षार्थियों के पास होने से हंगामा खड़ा हो गया। खास बात है कि क्रम से पास होने वाले इन अभ्यर्थियों में से ज्यादातर झारखंड के 3 जिलों साहिबगंज, लोहरदगा और लातेहार के हैं। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग और विवाद दोनों साथ साथ चलते हैं। इसी कड़ी में प्रारंभिक परीक्षा 2021 का नाम भी जुड़ गया है। पिछले दिनों एक ही परीक्षा केंद्र से क्रम से 33 परीक्षार्थियों के पास होने से हंगामा खड़ा हो गया। खास बात है कि क्रम से पास होने वाले इन अभ्यर्थियों में से 7 झारखंड के 3 जिलों साहिबगंज, लोहरदगा और लातेहार के हैं। पड़ताल में ये बात सामने आई है कि जिस सेंटर को लेकर विवाद हो रहा है वो शहर के बरवाटोली इलाके का एमएलए इंटर महिला कॉलेज है, जहाँ 384 अभ्यर्थियों के लिए सेंटर बनाया गया था। परीक्षा के लिए अलग अलग 14 कमरे की व्यवस्था की गई थी, जिसमें फर्स्ट फ्लोर हॉल में 14, बी में सीरियल नंबर जो था वो एक ही था और एक ही पैटर्न जो है वो नजर आया और एक ही सीरियल से कई छात्र पास हुए हैं और इसी को लेकर के हंगामा खड़ा हुआ है। वहीं जेपीएससी परीक्षा रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सवाल उठाए हैं। दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर कहा कि एक ही कमरे में बैठे सभी छात्र इतने विद्वान कैसे हो गए। जेपीएससी संदेह के घेरे में है, इसकी जांच होनी चाहिए। 6 वैकेंसी सरकार ने रद्द किए हैं, ये सरकार रोजगार विरोधी है। सरकार जेपीएससी का रिजल्ट आया और जेपीएससी के रिजल्ट में जो पीटी का रिजल्ट है, प्रीलिमिनरी टेस्ट का रिजल्ट, वह संदेह के दायरे में है। एक ही कमरे में बैठा ही बैठे हुए लड़के लोग ही सबसे ज्यादा योग्य और विद्वान कैसे हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लोहरदगा से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, लोहरदगा में भी इस तरीके की जो गड़बड़ी है वो सामने आ रही है, हालांकि जो सरकार है वो ये कह रही है कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी लेकर इसको लगातार सवाल उठा रही कि आखिर एक ही सीरियल नंबर से किस तरीके से एक ही कमरे में जो बच्चे हैं वो पास हो सकते हैं, किस तरीके का जो मामला है वो लोहरदगा में देखने को मिल रहा है इस रिजल्ट को लेकर। राहुल, अपने दर्शकों को हम बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग और विवाद दोनों जो है चोली दामन का साथ है, जो अभी तक छूट नहीं रहा है। इसी कड़ी में प्रारंभिक जो जेपीएससी की पीटी 2021 का रिजल्ट आया है उस वो इस नाम से जुड़ गया है। बीते दिनों एक ही परीक्षा केंद्र में करीब 35 परीक्षार्थी जो थे वो पास हुए थे, उसको लेकर के हंगामा शुरू हो चुका है। इस क्रम में अभ्यर्थियों से ज्यादातर झारखंड के 3 जिलों, खासकर साहिबगंज, लोहरदगा और लातेहार के रिजल्ट में इस गड़बड़ी के बाद जो सामने बातें खुल करके आ रही है कि लोहरदगा जिले से जो बरवाटोली स्थित एमएलए इंटर महिला कॉलेज है, जिसमें 384 विद्यार्थियों का सेंटर बनाया गया था, परीक्षा के लिए अलग अलग 14 कमरे की व्यवस्था की गई थी, जिसमें फर्स्ट फ्लोर में 14, बी में सीरियल नंबर 5223680 से लेकर 5223690 तक के विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई थी। राहुल, दिलचस्प बात यह है कि इस कमरे के जो भी विद्यार्थी थे 5223687 से लेकर के 5223690 के सभी विद्यार्थी सीरियल नंबर से जो है वो परीक्षा में पूरी तरह पास हो चुके हैं और इसको लेकर के भाजपा जो है वो पूरी तरह से हावी हो चुकी है। उनका कहना है कि किस तरह से जो एक ही सेंटर के लोग इतने लोग कैसे पास हो सकते हैं। जी राहुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।